वीवो जल्द ही लॉन्च करने वाला है अपना पहला फ्लाइंग कैमरा फ़ोन, और वीवो को देखते हुए शाओमी ने भी अपनी कमर कस ली है। उसने भी अपना फ्लाइंग कैमरा फ़ोन जल्द से जल्द लॉन्च करने का फैसला किया है। शाओमी का पहला फ़ोन 2022 में सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगा। जानेंगे इस वीडियो में और कंपेयर करेंगे वन बाय वन दोनों फ़ोनों को, तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, शाओमी जल्द ही एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिस फ़ोन में आपको पॉपअप ड्रोन कैमरा देखने को मिलेगा, और इस फ़ोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस होगा। इस ड्रोन को आप हवा में उड़ाकर 8K वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथों साथ इस फ़ोन में आने वाली 6000 एम्पियर बैटरी, जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। इसमें आने वाला 870 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जिसे आप फ्री फायर, पबजी जैसी गेमों फुल HD में भी बिल्कुल मक्खन की तरह चला सकते हैं। बात करें इसकी डिजाइन की, तो इस फ़ोन में 6.67 इंच का फुल HD सुपर एमलोट 120 हायर जेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो HDR10 को सपोर्ट करता है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन स्विच साथ फ़ोन को ऑन ऑफ करने का बटन भी मिल जाएगा। इस फ़ोन के बैक साइड में आपको 3 कैमरा लेंस का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन प्राइमरी लेंस होगा 200 मेगापिक्सल का, साथ में होगा 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइट लेंस और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। अल्ट में आपको सेल्फी कैमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रोन कैमरा को थोड़ा सा बाहर निकाल कर फ़ोन सेल्फी कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइट के लिए इसमें कोई भी लेंस नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ोन के ड्रोन को आप हवा में उड़ाकर अल्ट्रा वाइट फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इस ड्रोन को एक बार चार्ज कर लेने के बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक हवा में उड़ा सकते हैं। इस ड्रोन को चार्ज करने के लिए आपको अलग से कोई भी चार्जर खरीदना नहीं पड़ेगा। जब तक ड्रोन मोबाइल के अंदर है, वो अपने आप ही चार्ज होता रहेगा। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इस फ़ोन में आपको 2 वेरियंट मिल जाएंगे। नंबर 1 पे 8 GB और 128 GB स्टोरेज, और नंबर 2 पे 12 GB और 256 GB स्टोरेज। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनती है, और अगर बहुत अच्छा लगा तो कर दीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन, वो भी सबसे पहले। इस फ़ोन के साथ आने वाली 870 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है, जिससे आप हेवी गेम भी आराम से खेल सकते हैं। इस फ़ोन में आपको मिलेगा 6000 एम्पियर का बैटरी, जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। बात करें वीवो फ़ोन की, तो इसमें वो सभी कुछ मिलने वाला है जो शाओमी फ्लाइंग फ़ोन में मिलने वाला है। फिर चाहे हो प्रोसेसर हो, रैम हो, या हो कैमरा लेंस, तकरीबन सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब प्राइस की बात करें, तो प्राइस में भी दोनों फ़ोन तकरीबन सेम ही रहने वाले हैं। बेस वेरिएंट जाने के 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज आपको पड़ेगा 35 से 40 हज़ार रुपये का, और 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज की कीमत रहने वाली है 45 से 50 हज़ार रुपये। पहले वीवो लॉन्च होगा या शाओमी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का।